विटामिन ए का सेवन बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ विभिन्न बीमारियों से भी बचाव करता है। इसी उद्देश्य से बच्चों में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए का संपूर्ण अभियान की शुरुआत की गई। एडी हेल्थ डॉक्टर आई बी विश्वकर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने चरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से इस अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि पूरे माह जिले के 594 ANM सब सेंटर्स, एम्स गोरखपुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, रेलवे अस्पतालों और जिला महिला चिकित्सालय में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। इस वर्ष 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर की संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखें आज से विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम जो होता है वो शुरू किया गया है और इसमें 9 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई जाती है। 6 माह से लेकर के 12 माह के हमारे पास जो है 61,640 बच्चे हैं। 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के बच्चों में जो है हमारे पास 116,140 बच्चे हैं। 2 वर्ष से 5 वर्ष में जो है बच्चे हमारे पास 369,699 हैं। इस प्रकार टोटल बच्चे जो हैं हमारे पास जो है 500,000 के ऊपर आते हैं। इसमें 9 माह से लेकर के 5 माह तक के बच्चों का टोटल अगर संख्या देखते हैं तो 545,442 आती है और बच्चों को जो विटामिन ए की दवा पिलाई जाती है, इसको पिलाने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तमाम तरह की बीमारियों से शरीर की रक्षा होती है। तो पूरी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि विटामिन ए जो है 9 माह से लेकर के 5 साल में 9 बार पिलाई जाती है, उसी के तहत ये हमारा प्रत्येक 6 माह पर एक कार्यक्रम शुरू किया जाता है। आज खोराबार में हमारे मंडल के एडिशनल डायरेक्टर ने इस कार्यक्रम का शुरुआत की है।